चैप्टर को एक बार हम पहले फास्ट रिवाइज कर दे रहे हैं आपको। डी ब्लॉक एलिमेंट सिंपली याद रखना है आपको, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, बड़ी आसानी से आप इसको याद रख सकते हो। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एलिमेंट्स हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन एन माइनस वन डी कॉल डी ब्लॉक एलिमेंट्स, या पेनल्टी मेट सेल बोल सकते हो। डी ब्लॉक एलिमेंट्स ऑल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन, ये देसो डी डी ट्रांजिशन, कौन से डी ब्लॉक कहलाएंगे ट्रांजिशन जिनके डी में 1 से 9 तक होंगे। इसी ट्रांजिशन के कारण एक कलर भी शो करते हैं, तो 1 to 9 वाले कलर होंगे और 10 और 0 वाले कलर लेस होंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जिंक कैडमियम एंड मरकरी को कंसीडर नहीं किया गया है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि उनका डी हर केस में फुली फिल्ड है, चाहे वो नॉर्मल स्टेट हो चाहे उनकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो। मेटेलिक प्रॉपर्टी, सभी प्रकार की मेटेलिक प्रॉपर्टी है, चाहे वो हार्डनेस हो, चाहे वो डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, लस्चर, सोनोरस, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, कंडक्टिविटी, और जितनी आपको लिखना हो। मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाते हैं क्योंकि इनके डी में बहुत सारे अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेटेलिक बॉन्ड बनाने में डी ओ एस दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्योंकि इनकी एनर्जी नियरली इक्वल है। अगर हम बात करें तो जिंक कैडमियम एंड मरकरी सॉफ्ट मेटल, मरकरी लिक्विड, इनके इसमें मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन लो होती है, डी फुल फिल्ड होता है। क्रोमियम, मोलिबेनियम, टंगस्टन हार्ड मेटल है, मैक्सिमम अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है, सब कुछ ज़्यादा होता है, ये आपको ध्यान रखनी है छोटी छोटी सी बातें। जिंक के बारे में कुछ भी पूछा जाए कि उसकी एंथैल्पी ज़्यादा क्यों है, सॉफ्ट मेटल क्यों है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्यों है, डायमैग्नेटिक क्यों है, +2 ऑक्सीडेशन क्यों शो करता है, जिंक के बारे में कुछ भी पूछ लिया जाए, रीजन आंसर होगा उसके डी में 10 इसमें 2 है, ये जिंक का है आपका, ठीक है। इसके अलावा रेडियस हमने बताया था कि स्टार्टिंग में डिक्रीज होती है, बीच में आपके ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाती है, लास्ट में फिर हल्की सी इंक्रीज हो जाती है, जिनके केस में वही रीजन है। शुरू में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट करता है, बीच में न्यूक्लियर चार्ज शील्डिंग दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर जाती है, और लास्ट में शील्डिंग थोड़ी सी बढ़ जाती है। ये हो गया आपका रेडियस के बारे में। बात करें 4D एंड 5D की साइड नियरली इक्वल हो जाती है, लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन आपको याद रखना है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बड़ा सिंपल सा है कि इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग मेटल है, अच्छे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, डी में अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। ट्रेंड्स में वही बता देना आप बड़े आसानी से, शुरू में क्योंकि बढ़ते हैं अनपेयर इलेक्ट्रॉन तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होने लगते हैं इसलिए मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट घटने लगते हैं, फिर वही है जिंक कैडमियम मरकरी के कम है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फुली फिल्ड, क्रोमियम मोलिब्डेनम टंगस्टन के हाई है, मैंगनीज टेक्नीशियम के अब नॉर्मल कॉम्प्लिकेटेड लैटिस होती है प्लस हाफ फिल्ड डी होता है, पता है छोटे छोटे से पॉइंट है। फिर आपके आयोनाइजेशन एंथैल्पी SOP के बीच में होती है, इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी की अगर हम बात करें, अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी में अगर आप ट्रेंड देखोगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी में अगर आप ट्रेंड कर देखोगे तो शुरू में बढ़ती है क्योंकि शुरू में आपके धीरे धीरे करके स्टेबिलिटी बढ़ती है। और अगर हम कुछ एलिमेंट्स देखें आयोनाइजेशन एंथैल्पी में तो जिंक की फर्स्ट ज़्यादा है और कॉपर की सेकेंड ज़्यादा है। क्रोमियम और मैंगनीज में देखें तो मैंगनीज की फर्स्ट ज़्यादा है और क्रोमियम की सेकेंड ज़्यादा है। आयरन और मैंगनीज में देखें तो आयरन की थर्ड ज़्यादा होगी और मैंगनीज की थर्ड कम होगी, ऐसे छोटे छोटे वो तो आप कॉन्सेप्चुअली पकड़ लोगे। कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स किससे बनाएंगे, लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेके। कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए डी ऑर्बिटल है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन से रहे, न्यूक्लियर चार्ज है ना, ये सब आपको बता देने कॉम्प्लेक्स बनाने के। इंटरस्टिशियल कंपाउंड में स्मॉल एटम को ट्रैप कर लेते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस में, कार्बन, हाइड्रोजन, बोरोन, नाइट्रोजन। इंटरस्टिशियल कंपाउंड की प्रॉपर्टी बताने कि डेंस ज़्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, क्रोजन को रेजिस्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर है, इनर्ट है, ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड। Fe3H, Fe3CO, एलॉय इसके एग्जाम्पल, एलॉय बनाते हैं, एलॉय जानते ही हो, मेटल्स का मिक्सचर, होमोजीनियस मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटल नॉन मेटल, सेमी मेटल का होमोजीनियस, अरे हमने बताया ना लॉजिकल चैप्टर, बड़ा आसानी से आपसे बन जाएगा। और बता देना कि एलॉय इसलिए बनाते हैं क्योंकि इनकी साइज का रेशियो ऑलवेज ऑलमोस्ट इक्वल है, पॉइंट जरूर बोलना है, कुछ एलॉय याद होने चाहिए। ब्रास, ब्रॉन्ज दोनों कॉपर के हैं, जहाँ एस आए वहाँ जिंक रख देना, जहाँ जेड आए वहाँ टिन रख देना।
फिर ब्रास, ब्रॉन्ज, जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक, निकिल रख देना। गन मेटल में कॉपर, जिंक, टिन रख देना। नाइक्रोम में निकिल, क्रोमियम रख देना। स्टेनलेस स्टील फिकर नहीं कोई, आयरन, क्रोमियम, निकिल, थोड़ा सा कार्बन, ऐसे एलॉय रख देना। बड़े सिंपल सिंपल से हैं। रिवाइज बच्चों, रीड, रिव्यू, रिवाइज, बिल्कुल लागू कर दो फॉर्मूला आज से ही। अब अगले एक महीने बच्चों तुम लोग थोड़े से अपने मन को कंट्रोल करो, पढ़ाई में लगा दो, फिर छुट्टियां अच्छे से गुजरेंगी। वैसे अब तुम लोग को आराम मिल ही कहाँ है, जैसे ट्वेल्थ के पेपर हो जाएंगे, आपके कॉमन एग्जाम आ जाएंगे एंट्रेंस के, है ना, तो आराम ट्वेल्थ के बाद बेटा आप तभी मिलेगा जब आप एक अच्छा कहीं पर यूनिवर्सिटी आपको मिल जाए वगैरह, उसके बाद मिलेगा आपको। अभी तो थोड़ी देर मेहनत है बच्चों आप लोगों की, सभी के साथ रहती है। बाकी अगर मेहनत नहीं करने तो परेशान ना हो, पन्ना कॉलेज है अपना लास्ट में, अजयगढ़ कॉलेज, देवनगर कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, पैसा वैसे तैयार रखो। अच्छी यूनिवर्सिटी चाहिए तो बेटा जैसे आप हो वैसे दूसरे भी मेहनत कर रहे हैं, हो सकता हो जब आप गप्पे मार रहे हो दूसरे पढ़ रहे हो आगे निकल जाए। अच्छे सब्जेक्ट में यूनिवर्सिटी में एडमिशन बहुत मुश्किल से मिलता है, साइंस मैथ की सीटें बहुत लिमिटेड है, आर्ट में मिल जाएगा आपको एडमिशन, ठीक है। आर्ट अच्छा सब्जेक्ट है, अब मैं नहीं कह रहे, लेकिन आर्ट जनरली वही चुनते हैं जिनको मोस्टली सिविल सर्विस ही चाहिए, फिक्स है उस वही जाता है आर्ट की लाइन में। साइंस और मैथ की सीटें बहुत लिमिटेड हैं तो बहुत मुश्किल से मिलती हैं इनकी, है ना, फिक्स सीटें हैं सागर में, होलकर में, जितनी भी हैं आपकी फिक्स सीटें। एलॉय हो गया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो डी ब्लॉक मोस्टली पैरामैग्नेटिक है क्योंकि इनके पास क्या होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक मूवमेंट या स्पिन ओनली फार्मूला रूट एन एन प्लस टू बोरहर मैग्नेटॉन, सीधे पकड़ो अनपेयर इलेक्ट्रॉन और 0.8 के 0.9 लगा दो, ये बोहर मैग्नेटॉन आपका हो जाएगा। पैरामैग्नेटिक अनपेयर इलेक्ट्रॉन, डायामैग्नेटिक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फेरोमैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन अनपेयर इलेक्ट्रॉन। फेरोमैग्नेटिक में सिर्फ दो ही, तीन ही है, आयरन कोबाल्ट निकिल, ये मैग्नेटिक मूवमेंट खत्म होगा। कलर शो करते हैं, डी डी ट्रांजिशन, डी डी ट्रांजिशन बना देना। फिर इसके बाद हमने आपको बताया था पर्पल जी, वेरी वेरी पिंक, येलो, जीप में जी बी, पाँच नंबर जो डी फाइव उसको दो बार लिखना है, ये बात ध्यान रखिएगा। एक और ट्रिक याद कराई थी, ग्रीन क्रो फंसा ब्लू कप में, कराया था एफ ई प्लस थ्री येलो और ब्राउन, है ना, प्लस थ्री सिर्फ एक ही जगह होता है एफ ई सी एल थ्री में, है ना, ये आपको याद रखनी है और ट्रिक लिखवाई थी हमने। कॉम्प्लीमेंट्री कलर पता ही है, आई को गायब कर देना है, सामने वाला क्या होगा कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा। सी यू प्लस वन और सी यू प्लस टू में, सी यू प्लस वन कलरलेस है क्योंकि उसके डी में टेन होता है, और सी यू प्लस टू कलर्ड है, ब्लू कलर का है क्योंकि डी में नाइन होता है। टी आई ओ टू टी आई सी एल थ्री, तो टी आई ओ टू कलरलेस है क्योंकि डी में जीरो होता है, और टी आई सी एल थ्री पर्पल और वायलेट कलर का है क्योंकि डी में वन होता है। किससे? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से, क्यों नहीं कर सकते हो? किया था लेकिन फिर हाइब्रिडाइजेशन उसको ऐसा आ रहा है कि वो वीवीटी में होता ही नहीं। इसमें तो ये एग्जांपल नहीं हो, वीवीटी देखो ना, तो क्रिस्टल फील्ड पूरी आपकी परफेक्ट है ना, आपकी वीवीटी तो जो क्रिस्टल फील्ड के एग्जांपल है वो क्रिस्टल फील्ड में ही आएंगे आपके, और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में ये वीवीटी का तो है, ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में तो कराया है हमने, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से क्यों नहीं होगा, बड़ी आसानी से हो जाएगा, कर लूँ। हाइब्रिडाइजेशन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से बहुत कम पूछा जाएगा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से मोस्टली क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पूछी जाती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाता है, ईजी टी टू जी, हाइब्रिडाइजेशन तो नहीं पूछा था, वो तो हमने आपको बताया था, बिल्कुल देखेंगे। हो गया, लास्ट चल रहे थे हम, आप अपने आ जाए, देखो कितना सिंपल सा चैप्टर है, पाँच मिनट में रिवाइज हो गया, कुछ है नहीं। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जब से हम गए शायद ये चैप्टर छुआ भी ना हो, ये हमारी अंदर की फीलिंग कह रही, कुछ लोग बच्चे होंगे ऐसे, है ना, मुश्किल से पाँच मिनट का चैप्टर है और आपने रिवीजन किया होता, और पूरी केमिस्ट्री आध घंटे की है 30 मिनट की,
जिस दिन हम आपको रिवाइज कराएंगे 30 मिनट में केमिस्ट्री रिवाइज करा देंगे, पूरी कुछ है ही नहीं। 30 मिनट की लॉजिकल केमिस्ट्री है, और वो 30 मिनट की इसलिए हो गई क्योंकि आप लोगों ने लगातार 8-9 महीने से मेहनत कर रहे हो, इसलिए वो 30 मिनट की हो गई है। 30 मिनट की केमिस्ट्री है, कुछ नहीं। अगर आपसे बनती है तो, और बड़ा अच्छा पेपर लिख के आओगे आप, सजा के, अच्छे पॉइंट लिख के, अच्छे लॉजिक लिख के, और बढ़िया अच्छे से खूब रिप्रेजेंटेशन करके, अगर आप पेपर करने के मूड से जाओगे तो पेपर बहुत अच्छा करके आओगे। और अगर आप सिर्फ एग्ज़ाम देने जा रहे हो एक, तो अलग बात है। अगर आप एक्चुअली में पेपर करने जाओगे ना, तो बहुत मज़ा आता है पेपर देने में, एक बहुत एक्साइटमेंट होती है, और जिससे बनता है तो सोचते हो और मज़ा आता है करने में। तो केमिस्ट्री में तो पक्का मज़ा आएगा अगर आपसे बनता है अच्छे से। 30 मिनट की केमिस्ट्री है, फटाफट रिवाइज हो जाती है, अच्छे कॉन्सेप्ट, सिक्वेंस, फॉर्मूला, डराइव, न्यूमेरिक, कछु है ही नहीं है। एक बार पूरी केमिस्ट्री हो जाए कुछ नहीं, कॉन्सेप्चुअल पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, लैंग्वेज पढ़ लो, थॉट क्लियर रखो, लिख के आओ। ऑक्सीडेशन स्टेट में चल रहे थे हम। ऑक्सीडेशन स्टेट में इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, वर्ड बिल्कुल टंग पे होना चाहिए, वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है वेरिएशन, और वेरिएशन का मतलब होता है मोर देन वन टाइप। तो इनकी कई सारी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, क्योंकि इनके N-1d के भी पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्ट्रॉन, एंड NS के भी पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी नियरली क्या है, इक्वल है। हमने आपको कुछ की लिखवाई थी, Cu+1, Cu+2, एक गजब का है यहाँ पर कि Cu+1 ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, लेकिन Cu+2 स्टेबल हो जाता है ना, क्योंकि Cu+1 में डी में कितने होते हैं 10, और Cu+2 में डी में कितने होते हैं 9, लेकिन Cu+2 ज़्यादा स्टेबल है इसका, क्योंकि SRP कम होता है 3-4, उसका 5-2 है ना। हम बताएंगे इसको अभी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका नेक्स्ट है, लेकिन इसको याद रखना है। मैग्नीज की देख लें तो +2 +7 स्टेबल है, क्योंकि 2 करते हैं तो डी में 5 हो जाते हैं, और 7 के 7 गायब कर दो तो डी में 0, अंदर कौन सी गैस बची, इनर्ट गैस बची है। तो ऐसे ही आपको पता कर लेने हैं आपको। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ से पता हो आएगी, +1 +2, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन तो एस के निकलेंगे, तो लोअर आएगी एस से और हायर आएगी दोनों से, क्योंकि पहले तो एस के ही निकलेंगे ना, फिर डी के निकलेंगे। यहाँ तक हो गया था, चलिए नेक्स्ट स्टैंड लिखिए। नेक्स्ट स्टैंड लिखा जाए, बच्चों जब भी क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको अच्छे से एग्जाम्पल एग्जाम्पल बढ़िया माइंडसेट जरूर बना के रखो बच्चों, माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। अगर माइंडसेट हो ना, तो बच्चे का अगर 2 दिन पहले भी माइंडसेट बन जाए ना, आए तो कहो वो पेपर पूरा तोड़ के आ जाए रिकॉर्ड, उससे कहो उसकी पूरी केमिस्ट्री रिवाइज भी नहीं हुई लेकिन फिर भी पूरा पेपर 100% कराए। माइंडसेट एक बहुत गजब की चीज़ होती है, नॉलेज पूरा टेंडेंसी करने की। तो बच्चों ट्रेंड में हम अब आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखाते हैं, इस सीरीज का, प्रत्येक सीरीज का जो फर्स्ट एलिमेंट है, यहाँ से स्कैंडियम है, यहाँ से इट्रियम है, और यहाँ से लैंथेनम है। एक्टिनियम की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो सीरीज इनकम्प्लीट है। स्कूटीला जिन्हें कनाडा होगा याद कराई थी हमने आपको, स्कूटीला एक्टिनियम, हम एक्टिनियम की बात नहीं करेंगे। तो जो प्रत्येक सीरीज का फर्स्ट एलिमेंट है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। तो पूछा जा सकता है क्यों, क्योंकि इनके सबके डी में 1 है और एस में 2 है, और जब ये तीनों निकल जाएंगे तो अंदर क्या बचनी है, इनर्ट गैस। और इनर्ट गैस से इलेक्ट्रॉन निकलना तो पता ही है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो +3 क्यों शो करते हैं, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन पूछ लिया जाएगा कि स्कैंडियम +3 क्यों शो करता है, या फिर ये भी पूछा गया है आपके में छोटे छोटे क्वेश्चन कि पहली सीरीज 3D सीरीज में कौन सा एलिमेंट है जो +2 शो करता है, तो वो है जिंक, और कौन है जो सबसे ज़्यादा शो करता है, वो मैंगनीज +7। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और ये भी पूछा गया कि जब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं तो किसके साथ शो करते हैं, आयंस। ऐसा घलेगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, अचानक तुम वाइब्रेट हो जाओगे। ध्यान रखना, अगर हमसे फोकस हटा तो मैं पता ही नहीं चलेगा हम कब यहाँ से गायब हो गए, तुम्हारे बगल में प्रकट हो जाएंगे, ध्यान रखना।
तो देखो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से वो फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ शो करते हैं, समझ ही गए होंगे। सात सात रुपया खींचने, सात इलेक्ट्रॉन खींचने, आठ इलेक्ट्रॉन खींचने, तो सामने वाला कैसा होना चाहिए, ताकतवर। तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन क्या है, ताकतवर, लेकिन स्टेबल ऑक्सीजन के साथ होती है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, क्यों वो भी चर्चा करेंगे हम। तो लास्ट एलिमेंट टू शो करता है, जिंक कैडमियम मरकरी, ये प्लस टू शो करते हैं, और फर्स्ट एलिमेंट प्लस थ्री शो करता है। इसका रीजन ये है कि इन सबके डी में टेन और एस में कितना होता है, टू, तो जैसे ही टू निकल जाएगा डी टेन क्या हो जाएगा, स्टेबल। और पहला एलिमेंट थ्री क्यों शो करता है, क्योंकि तीन निकलने के बाद अंदर क्या आ जाती है, इनर्ट गैस आ जाती है आपको। मरकरी हालांकि प्लस वन भी शो करता है, ठीक है। चलिए तो लिखते हैं फिर समझाते हैं आपको। द फर्स्ट एलिमेंट, द फर्स्ट एलिमेंट, द फर्स्ट एलिमेंट, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच सीरीज, तुम लोग के में वो जो CBSE वाले बोर्ड है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से याद रखना, है ना, क्योंकि आपके CBSE की एक्सरसाइज में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खूब पूछे गए, प्लस थ्री प्लस टू ना, हम करा देंगे आपको पूरा सब रिवाइज करा देंगे हम आपको, एक बार सिलेबस हो जाकर पर्सनली बुला के सब करा देंगे। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ई सीरीज, और फर्स्ट एलिमेंट अगर हम सीरीज की बात करें तो पहले का है स्कैंडियम, दूसरे का है इट्रियम, इन तीसरे का है लैंथियम, एक्टिनियम की बात नहीं करेंगे, ठीक है। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ई सीरीज, ई सीरीज सोज 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 स्टेबिलिटी, सोज स्टेबिलिटी 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 इन प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लीजिए या ऑक्सीडेशन नंबर लिख लीजिए, प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ई सीरीज शोज स्टेबिलिटी इन प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट एज आफ्टर एज आफ्टर रिमूवल ऑफ थ्री इलेक्ट्रॉन्स। थ्री क्यों, क्योंकि पहले एलिमेंट के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, थ्री, है ना। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ई सीरीज सोज स्टेबिलिटी द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ई सीरीज सोज स्टेबिलिटी इन प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट एज आफ्टर रिमूवल ऑफ थ्री इलेक्ट्रॉन्स दे हैव इनर्ट गैस, इनर्ट लिख लो, नोबल लिख लो, जो आपको अच्छा लगे, दे हैव इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दे हैव इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन इनर सेल, इन इनर सेल, इनर ऑर्बिट, जो आपको लिखना चाहना, इन इनर सेल लिख लो, इनर ऑर्बिट लिख लो। रॉयम फेयरवेल किसे मिला शिक्षा, किसे मिला शिक्षा, फेयरवेल किसको, और तुम, तो तुम्हें मिलना चाहिए या फिर नेहा को या मनु को,
विजेता को तो ज्यादा पढ़ाई में तेज है क्या? तो फिर पहचान है क्या? ओह माय गॉड, अपने तुम्हारे यहाँ नाम का तो किसको मिलेगा? तो उसी को डिजर्व करता है जो रेगुलर होता है, जो पढ़ाई में ठीक होता है, जिसका व्यवहार अच्छा होता है, उसी को मिलता है। तुम नहीं हो द फर्स्ट एलिक? चलो कोई बात नहीं, हम सबसे बड़ा फेयरवेल लेंगे एमपी का। चलिए आ जाइए। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ई सीरीज सो स्टेबिलिटी इन प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट। जो हर सीरीज का पहला एलिमेंट है वो प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबिलिटी शो करता है। उसका रीजन ये है कि जैसे ही वो तीन इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, उसकी अंदर की वाली सेल में इनर्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है। और इनर्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना आपको पता है बहुत इम्पॉसिबल काम है, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट है पूरी पीरियोडिक टेबल में। दे हैव इनर्ट गैस, नोबल गैस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन इनर सेल अंदर। देखते हैं क्या ये बात सही है। लेट्स सी, रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है, ठीक है? अभी इसको लिखना नहीं, फिर हम इसको सिंपल करके लिखवाएंगे। जैसे कि हम बात कर लें फर्स्ट सीरीज में स्कैंडियम, स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21, अंदर कौन आता है? आर्गन। नीचे इट्रियम एटॉमिक नंबर 39, अंदर आएगा क्रिप्टॉन, इसका 18 और इसका 36। और यहाँ पर लैंथेनम, यहाँ आएगा जीनोन, आएगा जीनोन क्यों नहीं आएगा, 54 आएगा ना, 54। और इनके सब में डी में वन और एस में कितना होता है? 2। डी में एन और एस में 2, डी में एन एस में 2। इसका एटॉमिक नंबर 21, इसका 39, इसका 57, यही होता है। 18 और 3 21, 18 3 21, 36 और 3 39, 54 और 3 57, ये तीनों हुए। अब जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा अंदर की सेल में कौन सा कॉन्फ़िगरेशन बचा है? इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन बचा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। तुम्हें 6:30 बजे कहा था ना सौ में आने के लिए, हाँ? अना बोलेगी, 6:30 कहा था ना, तुम खूब फेयरवेल मना रहे, हमने देखो तुम बहुत बहुत तैयार होके गए थे, तुम आधा किलो तो तुमने मेकअप लगाओ थे। नहीं, हमने देखो फोटो में, देखो नीले कलर की साड़ी पहने थे तुम, ब्लू कलर की। पहले तो हमने 2-3 बार देखो पहचान नहीं पाए कुआ है, हमने आंखें आंखें धो के आए हम। हमने कि हमारी सौम्या तो सीधी सादी सी है। खांसी खांसी काय काय, तुम बैठ जाए, तुम पहले आराम से रिलैक्स, तुम भागते हुए आए, जब कप सिरप पिया ऊपर से 2 चम्मच ग्लाइकोडिन। तुम्हें अगर कपिंग सही करनी है तो तुम्हें इलाज बता रहे जैसे हमने किया है, सही हो जाए। गड़ारे करो दिन में 2-3 बार, राम बाड़े राजी बैठा, दवाई पीते पीते थक जाओगे। अब आज नहीं रुक जाओ, हम आज पूछ भी बेटा 10 चैप्टर पूछ भी हम सबसे बता रहे। फिर 1 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी नमक, 1-2 लौंग डाल दो और गड़गड़ा दो, अंदर बिल्कुल भूकंप आ जाए घर, और निकाल दो, स्ट्रिप सिल्स ले लो, खाते रहो, चूसते रहो, और ग्लाइकोडिन ले लो 2 चम्मच पी लो, फिर पानी नहीं पीने 3-4 घंटे तक बैठ।
कोरोना तो नहीं है? आराम से बैठो, हम ला रहे हैं कप सिरप। तो देखिए यहां से स्कैंडियम यहां से इट्रियम तुम्हें देख के हमारी सेंसिटिविटी जाती यहाँ से स्कैंडियम, यहाँ से इट्रियम, यहाँ से लेंथेनम। आराम से बेटा, आराम से। इस सब के सब स्टेबिलिटी शो करते प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में, प्लस थ्री। क्योंकि ये जैसे ही तीन इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, इनके अंदर की सेल में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है? एनर्ट गैस। नोट करिए, आप एन माइनस वन डी लिख सकते हो। इनके एन माइनस वन डी में वन होता है और एन एस में टू होता है, ठीक है ना? तो यहाँ से वन और यहाँ से दो निकल जाते हैं, आवाज नहीं। और अगर आप प्रॉपर लिखना चाहते हो तो थ्री डी वन फोर एस टू, फोर डी वन फाइव एस टू, फाइव डी वन सिक्स एस टू लिख सकते हो। नोट करिए, तुम बहुत छुट्टियां ले रही हैं सौम्य, गलत बात है बेटा ये। सुबह चार तो भाई तो बोली 4 बजे लगा दीजिए। शाम को 4 बजे लगा सकते, लेकिन दूसरों बच्चों की कोचिंग है यहाँ, हुआ थोड़ी सी बात है बेटा, बिल्कुल थोड़ी सी बात है। 6-7 लेक्चर हो जाएंगे तो चैप्टर हो जाएगा, फिर तुम आ जाना पर्सनली, तो मैं तुम्हारा जिसका छूटा है रिवाइज करा देंगे, फिर जिसका जितना छूटा है सबका। कुछ नहीं बेटा, ठंडी ख़त्म है, ये लास्ट चल रही है। कुछ नहीं, कुछ आवाज़ नहीं, ठंडी नहीं है, कुछ नहीं है, ठंडी गई अब। तुम अपने पहले कफिंग सही करो, हमने जो इलाज बताया वो लगाओ। जो पहला एलिमेंट है वो प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबिलिटी शो करता है, अच्छे से याद रखना है, पूछा जा सकता है ना? रीजन बता देना कि क्योंकि वो जैसे तीन इलेक्ट्रॉन निकालेगा अंदर की गैस में, अंदर की सेल में क्या जाएगा? एनर्ट गैस। रिप्रेजेंटेशन आपका, ठीक है? चलिए, ये फर्स्ट स्टैंडर्ड में कोई दिक्कत बन जाएगा? देखो सब आपको पता है पहले से, सिर्फ लिखना है। मास्क लगा लो सौम्या बेटा, नहीं फिर भी बेटा मास्क है ना, देखो मास्क लगाने में कोई बुराई नहीं है, सामने वाले को अनकंफर्ट नहीं होना चाहिए ना। जिसको अभी कफिंग है वगैरह मास्क लगा लो, ठीक है? लास्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट नहीं बेटा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। द लास्ट एलिमेंट ऑफ ईच सीरीज, समय तुम्हारी पढ़ाई, मान लो हम गारंटी से करें तुम्हारी पढ़ाई वीक होगी बेटा, 5-10% का फर्क पड़ेगा। मैं ये अंदर से आवाज़ आ रही, द लास्ट एलिमेंट ऑफ ई सीरीज, द लास्ट एलिमेंट ऑफ ई सीरीज, ई सीरीज पूछा जा सकता है कि पहली सीरीज में कौन सा एलिमेंट है जो प्लस टू शो करता है, दूसरी सीरीज में कौन है, ऐसा सस्ता है ना? या पूछ सकता है कि कौन सा एलिमेंट है जो पहली सीरीज में प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी लाता है, तो वो है लास्ट का ही एलिमेंट है, द लास्ट एलिमेंट ऑफ ई सीरीज।